हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे। टॉपिक जो है वो है एवरेज या फिर कह लीजिए औसत। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारे एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसमें जो 10 प्रश्न है, 10 अलग अलग लेवल के हैं। इजी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड है, सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। देखिए, पहले जो अगर एवरेज क्या होता है उसको समझना है, तो एवरेज को हम औसत कहते हैं। और औसत निकालने का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है कि सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब जितने भी आपके पास डाटा दिया होगा, जितना भी आंकड़े दिया होगा, सबको जोड़ना है वो ऊपर में, और आंकड़ों की संख्या कितना है वो नीचे में। जब आप ऊपर वाले को नीचे से भाग देंगे तो आपको एवरेज या फिर औसत मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मान लो राम, श्याम और मोहन तीन लोग हैं। ठीक है, राम, श्याम और मोहन तीन लोग हैं, तीनों पिकनिक जाने का प्लान करते हैं। राम जो है 5 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, श्याम 4 रुपये कंट्रीब्यूट करता है और मोहन 3 रुपये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब इसका औसत बताइए। देखिए, ठीक है, तो औसत अब निकालना है इसको। तो औसत के लिए क्या करेंगे, 3 आंकड़े हैं हमारे पास, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे 5, 4, 9 और 3, 12। ये 12 रुपये जो है आंकड़ों का योग हो गया। और आंकड़े कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 3 आंकड़े हैं तो हम 3 से भाग देंगे, तो 4 3 12 कट जाएगा, 4 रुपये जो है इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, औसत का सिंपल मतलब यह है। औसत का मतलब क्या होता है, जितने भी आंकड़े हैं जैसे राम, श्याम, मोहन, ये जो है अब तीनों में जो औसत आया, ये सब औसत जो है तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो औसत का मतलब जो औसत वाला वैल्यू आता है वो जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी राशियां हैं, सभी में बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। अब देखिए, राम यहाँ पे 5 रुपये दिया था, श्याम 4 रुपये दिया था, मोहन 3 रुपये दिया था, लेकिन जब औसत निकाले तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों को 4-4 रुपये मिल रहा है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम दिया है, सबके लिए 4-4 रुपये हो गया। औसत यही काम करता है। औसत क्या करता है, सभी राशियों को जोड़ के जितने लोग हैं सभी में बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में आपसे यह पूछ देता है कि औसत आपको दे देता है और राशियों की संख्या दे देगा, तो बोलेगा कि कुल सभी राशियों का योग कितना होगा। तो भाई जब आपको औसत यहाँ पे देखिए 4 रुपये पता है और 3 लोग हैं, तीनों में हम 4-4 रुपये बांटे हैं, तो 4 3 12 12 रुपये क्या हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा। मतलब जब कभी भी आप औसत का राशियों की संख्या के साथ जब आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंकड़ों का योग मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि सभी राशियों का योग जो होता है वो बराबर होता है कितना, औसत गुणे राशियों की संख्या, जो हमको योग देता है, कुल राशियों का योग देता है। ये बेसिक चीज था। अब हम 10 तरह का जो प्रश्न है हमको उनको बारी बारी से लगाना शुरू करेंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी साथ साथ आपके लिए होमवर्क भी छोड़ता जाऊंगा, उसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप आंसर कहाँ देंगे, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, साथ ही साथ जितने भी डाउट होते हैं हम वहाँ पे मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाता है, तो आप सीजीपीएससी एबीसीडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे, YouTube वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे जो बेसिक है उसे भी बताऊंगा और क्या उसमें ट्रिक लगाया जा सकता है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पहला टाइप है। टाइप नंबर 1 जो है हमारी ये है कि 1 से 90 तक के संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक रूल है जो हमारा मेन फॉर्मूला से बनता है वो कैसे बनता है, देखिए पहली बात तो 1 से 90 संख्याएं दिया हुआ, मतलब टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी हो गया, 90 हो गया आंकड़ों की संख्या। अब 1 से 90 तक को आप लिख के 1 1+2+3+4+ ऐसे 90 तक जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में आप पढ़ेंगे, सीरीज जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आंकड़ों का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1 से लेके मतलब 1 से लेके इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, 1 से n तक के समस्त पूर्णांक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, क्या होता है, n(n+1)/2, ये फॉर्मूला होता है 1 से लेके n तक। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 90 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम औसत तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक बार मैं औसत का फॉर्मूला लिखता हूँ
फिर से यहाँ पे औसत क्या है, तो आंकड़ों का, फिर ट्रिक बताऊंगा इसको कि कैसे सॉल्व करना है, आंकड़ों का योग बटे या राशियों का योग लिख सकते हो, सभी आंकड़ों का योग या सभी राशियों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब ये हमको आंकड़ों का योग चाहिए, तो आंकड़ों का योग मतलब एक से नब्बे तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जोड़ तो नहीं सकते, एक प्लस दो प्लस तीन बहुत टाइम लगेगा, तो एक फॉर्मूला होता है वन से लेके एन तक के सभी आंकड़ों का योग कैसे, एन इंटू एन प्लस वन बटा दो, तो एन कितना है, एक से लेके नब्बे, नब्बे जो है एन हो जाएगा यहाँ पे, तो नब्बे इंटू नब्बे प्लस वन इक्यानवे बटा दो, ये देखिए दो कट जाएगा, ये पैंतालीस बार में, मतलब पैंतालीस गुना इक्यानवे, ये जो मिलेगा हमको आंकड़ों का योग मिल गया, पैंतालीस गुना इक्यानवे जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा चार जीरो नौ पांच, ये मिला हमको आंकड़ों का योग, तो ये ऊपर में कितना हो गया, आंकड़ों का योग कितना हो गया, चार हजार पंचानवे बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है, टोटल कितने आंकड़े एक से नब्बे तक को अगर देखेंगे लिखेंगे तो आपको नब्बे आंकड़ा मिलेगा, तो चार हजार पंचानवे को अगर आप नब्बे से भाग देते हैं तो आपको मिलेगा पैंतालीस दशमलव पांच, और यही औसत होगा, एक से नब्बे तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये तो मेन इस फॉर्मूला से करना है, तो जब कभी भी आपको श्रृंखला वाला औसत निकालने को बोलेगा तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई श्रृंखला दिया हो, कोई सीरीज दिया हो, एक से नब्बे, दो से सौ, पांच से पचास, जो कुछ भी दिया हो, तो श्रृंखला का अगर आपका औसत पूछ दे, ठीक है, श्रृंखला का औसत अगर आपसे पूछ दे तो क्या करना है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो कर देना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। प्रथम संख्या क्या है, मतलब एक, एक से नब्बे तक को लिखेंगे तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक हो गया। अंतिम संख्या, अंतिम नंबर पर क्या आएगा, नब्बे आएगा, तो एक प्लस नब्बे हो गया और बट्टा में दो, तो 90 प्लस एक इक्यानवे बटा दो, जब आप भाग देंगे तो 45.5 मिलेगा, यही जो होगा सीरीज वालों का औसत मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक याद रखिएगा कि जो सीरीज होगा उनके सभी जो आंकड़े होंगे उनके आगे पीछे के आंकड़ों से बराबर का अंतर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूं एक दो तीन चार पांच, ऐसे करते अगर मैं नब्बे नवासी नब्बे यहां तक जाता हूं तो सभी देखेंगे तो अंतर एक एक का है, तो समान अंतर होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला वहां पे फिट बैठेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम श्रृंखलाओं वालों का निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न बताता हूं, ये दूसरा वाला सेम इसी की तरह है, तो ये वाला आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे। ये वाला मैं बताता हूं, दस के प्रथम बारह गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो एक तो आप काम कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगा के पूरा आप बना सकते हैं, मैं ये शॉर्टकट जो ये वाला है इसी पर मैं इसको बना रहा हूं। दस के प्रथम बारह गुणज, दस के प्रथम बारह गुणज का मतलब क्या होता है, दस का पहाड़ा बारह बार लिखना है, दस एक कम दस, दस दूनी बीस, दस दिया तीस, ऐसे बारहवें नंबर पे जाओगे तो बारह दहा में एक सौ बीस, यही मिलेगा दस के प्रथम बारह गुणज। अब इनका ही औसत पूछेगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो अंतर जो है बराबर दस दस का अंतर आपको मिलेगा, मतलब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो औसत कितना होगा, प्रथम संख्या कितना है दस, अंतिम संख्या कितना है एक सौ बीस, ठीक है, और डिवाइड कितने से करना है फॉर्मूला में, दो से, तो 10 प्लस 120 हो गया 130, 130 बटा दो मतलब 65 दुनी 130, 65 इसका औसत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाले प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क। उम्मीद है ये टाइप नंबर वन जो है आपको समझ में आया है, अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न को देखेंगे। दूसरा टाइप का प्रश्न हमारा ये है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम पांच संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम छह संख्याओं का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद भी लगाएं, इसके बाद बताना कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब इसको कैसे बनाना है, वो आंसर आ गया होगा तो कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है। 12 संख्याओं का औसत 20 दिया है, अब वहां पे जो औसत का फॉर्मूला बताया था वहां के हिसाब से चलिए, जैसे 12 संख्या है औसत कितना है 20 है, तो इन 12 संख्याओं का, ये 12 आंकड़ों का योग निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो 12 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो औसत होता है उसमें जो संख्याएं हैं उसको गुणा कर दो, 12 आंकड़े हैं और 20 औसत है, तो 12 गुणा 20 240 जो है ये योग आ गया। ये 240 आया क्या, कि जितनी भी 12 संख्याएं हैं उन सभी को जोड़ने पर हमको कितना आया, 240 मिला। उम्मीद है आपको इतना अभी समझ में आया होगा। अगला स्टेटमेंट है, प्रथम पांच संख्याओं का औसत 18 है, ये टोटल 12 का संख्याओं का योग है,
लेकिन शुरू के जो पांच संख्या होंगे उनका औसत 18 दिया है। तो बताइए कि जो प्रथम पांच संख्या हैं जिनका हम औसत निकाले हैं उनका योग कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। तो प्रथम पांच संख्याओं का योग के लिए क्या करेंगे, पांच संख्याओं का औसत 18 है और कितनी संख्या है, पांच, तो ये 18 × 5 = 90। ये क्या मिला, शुरू के पांच संख्याओं का योग मिला और ये कुल 12 संख्याओं का योग है। ठीक है, आगे देते हैं, आगे देखें कि अंतिम छह संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। ठीक है, मतलब इसको समझिएगा कैसे, जैसे मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, इतना समय लगेगा नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये देखिए टोटल 11 संख्याएं हैं, सॉरी 12 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एल 12, ये 12 संख्या हो गया। इसमें इन 12 संख्याओं को जब जोड़ा गया तो कितना मिला था, 240 मिला था। ठीक है, देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी से बनेगा। फिर बोला प्रथम पांच संख्याओं का, मतलब ए बी सी डी ई, इन जब पांचों को जोड़ा गया तो कितना मिला, 90 मिला। अब देखिए बोला अंतिम छह संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक देखेंगे, ये छह संख्याओं का योग कितना है भाई, औसत 22 है, छह संख्या है, तो 22 × 6 इसको गुणा करेंगे तो 6 × 12 6 × 1 12 1 13 132। लेकिन यहां पे अगर देखेंगे ये वाला संख्या एफ जो है ये वाला काउंट नहीं हुआ है, इधर पांच इधर छह लेकिन एक छठवां बीच में है वो बच गया। इसी चीज को आपको पूछा है कि छठी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखिए ये जब पूरा हमने जोड़ा था तो पूरे का योग तो 240 आया है, ये शुरू का पांच को जोड़ा तो 90 आया है, ये अंतिम का छह को जोड़ा तो 132 आया है, ये वाला पार्ट तो इन दोनों के साथ नहीं जुड़ा है, केवल टोटल के साथ जोड़ा है। मतलब 90 और 132 को आप जोड़ के 240 में घटा देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही हमको सही आंसर देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बस करना यही है कि जो 12 संख्याओं का जो योग है ये 240, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, 12 संख्याओं का योग मतलब 12 संख्या है गुणे औसत 12 संख्या का कितना है, 20, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, एक ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दीजिए माइनस, दूसरा ब्रैकेट अब लगाते हैं। चलिए शुरू के जो पांच संख्या का औसत 5 × 18 मतलब पांच संख्याओं का योग 5 × 18 प्लस अंतिम के जो छह संख्या है उसके लिए कितना है भाई, छह संख्या है और उनका औसत कितना है, 22। बस ऐसे ही कर देंगे तो यहां पे टोटल ये वाला जो योग है इसमें ये छठवीं संख्या को भी जोड़ा गया है जो जो हमको निकालना है, लेकिन इन दोनों में उस छठवीं संख्या को इंक्लूड करके नहीं निकाला गया, तो इसके में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये हमको मिल गया 240 माइनस ये 18 × 95 हमने यहां पर भी निकाला है प्लस 22 × 132। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 240 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 222। ठीक है, देखेंगे घटा देंगे तो 18 मिलेगा, मतलब ये जो संख्या 18 है यही हमारा बीच वाला है जो छठवां नंबर का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो करना क्या है, उम्मीद आपको समझ में आ गया कि कुल संख्याओं का जो है उनका योग निकालेंगे, जो दिया है उनका योग निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे टोटल वाले में से तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये ऐसे निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए बस। चलिए एक काम करते हैं, ये जो दूसरा है इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि आपके लिए होमवर्क था लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना है, तो पहले जो 24 संख्याओं का औसत 25 है तो आप क्या करिए, इस 24 × 25 कर दीजिए। ठीक है, माइनस दूसरा ब्रैकेट के अंदर शुरू के 15, इसको आप समझ लीजिएगा यहाँ पे संख्याएं कितनी है 24, यहाँ पे देखेंगे तो 15 और 8 23 ही संख्या है, एक जो संख्या 16वां नंबर का छूटा है उसी चीज को आपको पूछेगा। यहाँ भी कुल संख्या 12 था लेकिन ये 5 और 6 11 संख्याएं की बात किया था, एक तो छूटा हुआ था वो निकालना, तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 24 × 25 यहाँ पे 15 × 20 प्लस यहाँ पे 8 × 35, बस ये ऐसे करके निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 × 100 10 25 × 50 10 7 600 माइनस ये हो जाएगा 15 × 20 30 सॉरी 300 प्लस 35 × 8 हो जाएगा 280 ओके 280। तो 600 माइनस इनको जोड़ेंगे तो 580 क्या मिला हमको, 20। ठीक है, तो वो जो संख्या 16वें नंबर का बच गया था वो 20 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद है ये जो टाइप 2 है वो आपको समझ में आया होगा, नहीं होगा तो एक बार रिवर्स करके आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा टाइप भी इसी तरह का कुछ है, देखते हैं कि क्या है। प्रश्न है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए पीछे जो था, पीछे वाला टाइप टू जो क्वेश्चन था, उसमें एक जो आंकड़ा था, एक जो संख्या था, वो छूट जा रहा था जब हम उसका औसत निकाल रहे थे, औसत जो दिया था उसमें। लेकिन यहां पे अगर गौर करेंगे तो कुल संख्याएं कितनी है 40, शुरू बार कितना 25 संख्या की बात कर रहा है, दूसरी बार 16 संख्या की बात कर रही है, तो 25 और 16 41, एक संख्या को दो बार यहां पे रिपीट किया गया है, ठीक है, एक संख्या को दो बार रिपीट किया गया है यहां पे। अब इसको हमको निकालना है, इस चीज को समझना है, ठीक है। तो यहां पे जो दो बार रिपीट किया गया, एक बार छोड़ के बताना है, वहां पे एक चीज को छोड़ दिया रहा था वो आसानी से निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसमें 40 संख्या का औसत दिया है, ठीक है, तो 40 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, 40 संख्याओं का योग, तो 40 गुणा 35 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1400, ठीक है, ये पूरा का पूरा 40 संख्याओं को, ये प्रथम 25 संख्याओं का, तो इसको भी मैं लिखता हूं प्रथम 25 संख्याओं का योग, ये कितना हो जाएगा। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो फटाफट होगा, बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। प्रथम 25 संख्याओं का योग कितना होगा, 25 गुना औसत कितना है इसका 30, तो 25 या 75 ये हो जाएगा 750। फिर अंतिम के 16 संख्याओं का योग, अंतिम 16 संख्याओं का योग ये कितना हो जाएगा भाई, तो 16 इनका औसत कितना था 42, तो 16 गुणा 42 जब आप करेंगे तो मिल जाएगा 672। अब देखिए अगर इस 750 और इस 672 को आप जोड़ते हैं, ठीक है, 672 और ये 750 को अगर आप जोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये 25 और 16 41 संख्याओं का योग निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा 1422 मिलेगा, 41 संख्याओं का योग है, और ये क्या है 40 संख्याओं का योग है, मतलब कहने का कि जो 25वीं संख्या जो है दो बार रिपीट हो गया है, एक इसमें भी 25वीं संख्या को जोड़ा गया है और इसमें भी 25वीं संख्या को जोड़ा गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है, और जब केवल 40 को जोड़ा गया तो 1400 मिला, 41 संख्याओं जिसमें रिपीटेड वाला 25 है वो भी इसी में जोड़ा गया है, तो इस 1400 41 संख्याओं का जो योग आया है उसमें से 40 संख्याओं का योग को अगर आप घटा देंगे तो 25वीं संख्या है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1422 माइनस 1400, मतलब ये 22 हमारा जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, शॉर्ट में अगर बनाना है तो क्या कर सकते हैं कि जो ये निकले हैं प्रथम 25 संख्याओं का योग 25 गुना 30 प्लस अंतिम 16 संख्याओं का योग 16 गुना 42, इन सबको जोड़ना है माइनस 40 संख्याओं का योग, तो 40 गुना 35, ये हमारा जो तरीका होगा निकालने का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसमें से इसको घटा रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक संख्या छूटी हुई थी, इस वाले में क्या किया इसमें से इसको घटा रहे हैं क्योंकि एक संख्या को इसमें हम ज्यादा जोड़ दिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये दूसरा प्रश्न जो है आप इसको करके देखेंगे और आंसर कमेंट करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आंसर बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम टाइप थ्री का जो क्वेश्चन है कर लिए, अब टाइप फोर करते हैं। टाइप फोर है इस प्रकार, टाइप फोर का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है किसी संख्या के 60 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है, ठीक है, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे संख्या बताना है कि लड़कियां कितने हैं और लड़के कितने हैं, ठीक है। इसको दो मेथड से बताएंगे, एक एलिगेशन से बनाऊंगा जो कि बहुत आसान पड़ेगा, एक दूसरा तरीका भी, दोनों हालांकि आसान है। तो पहले बेसिक चीज से हम समझते हैं कि क्या होगा। देखिए टोटल 60 छात्र हैं और 55 किलो भार है, तो ये 60 छात्रों का योग तो हम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो 60 गुना 55 ये पूरा 60 छात्रों का योग मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे, अब क्या करना है, लड़का और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो लड़कियां हैं वो एक्स है। देखिए एलिगेशन वाले दूसरे मेथड से मैं दूसरे बार बताऊंगा, पहले मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं ये जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स की संख्या एक्स है, तो बॉयज कितने रह जाएंगे भाई, तो देखिए टोटल 60 छात्र हैं उसमें से गर्ल्स एक्स हो गए, तो 60 में से अगर एक्स को घटाएंगे तो ये बॉयज मिल जाएंगे,
ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने एजम्पशन किया। अब देखिए कुल 60 संख्याओं का औसत कितना हो गया 55, तो 60 संख्याओं का 60 छात्रों का योग मिल गया। अब लड़कियों का योग, लड़कियों की जितनी भी संख्या उनका योग और लड़कों का योग भार का योग दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो कुल 60 छात्रों का योग ये हो गया। इसमें जो गर्ल्स हैं एक्स, ठीक है, ये गर्ल्स एक्स हैं मान लिए, तो इसमें लड़कियों का भार कितना है 50, तो एक्स लड़कियों की संख्या में 50 का गुणा कर देंगे तो लड़कियों का टोटल भार मिल गया, प्लस लड़कों की संख्या कितना है 60 माइनस एक्स, और लड़कों का औसत भार कितना है 65, तो यहां पे हम 65 से गुणा कर दिए। तो यहां पे लड़कियों का भार प्लस लड़कों का भार दोनों को हम जोड़े तो पूरा 60 छात्रों का भार के बराबर आ गया। उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 60 और 55 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 6 × 5 = 30 और 3 33 और 1 0 3300, ठीक है। और ये हो गया है 50x प्लस इसका गुणा करेंगे तो 60 × 65 करेंगे तो आपको मिलेगा 3900 माइनस 65x, ठीक है। बस ये अब इसको हम थोड़ा पक्षांतर करते हैं, ये 3900 को इधर ले आओ तो 3300 माइनस 3900 बराबर इधर बच गया कितना 50x माइनस 65x, ठीक है। इसमें घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 600, क्योंकि छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या घटा रहे हो, इसमें भी छोटे में बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 15x, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 15 40 बार में काटेंगे तो 600 आएगा, मतलब x कितना मिल गया 40। x किस चीज को हमने माना था, लड़कियों की संख्या कितना माना था हमने x, तो ये आ गया 40। लड़कों की संख्या कितना हो गया 60 माइनस 40 मतलब 20, 40 और 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्या किया कि लड़कियों का योग प्लस लड़कों का टोटल भार इन दोनों को जोड़े तो कुल 60 छात्रों के भार के बराबर करके हम सॉल्व कर दिए। इसमें हम लड़की को एक्स मान है, आप लड़कों को भी एक्स मान के लड़कियां 60 माइनस एक्स करके बनाएंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। अब हम एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखिएगा, आसानी से वो भी बन जाएगा। इसको मैं पहले एक बार इरेज करता हूं, ठीक है। देखिए टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये छात्रों की संख्या कुल इतना है। अब इसमें गर्ल्स और बॉयज हम देखते हैं, गर्ल्स कितने हैं हमको नहीं पता, इधर गर्ल्स के लिए मैं जी लिख देता हूं, बॉयज के लिए मैं बी लिख देता हूं। गर्ल्स का जो औसत, देखिए 60 छात्र हैं, 55 किलोग्राम औसत भार है इनका, जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनका औसत भार कितना है 50 किलोग्राम, तो यहां पे मैं 50 किलोग्राम लिख रहा हूं औसत भार। जो बॉयज है उनका औसत भार कितना है 65, ये 65 लिख दिया। जो इन 60 छात्रों का औसत भार है उसको मैं लिखता हूं 55 किलोग्राम, यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है एलिगेशन में, इन दोनों का अंतर को यहां पे लिखना है और इन दोनों के अंतर को यहां पे लिखना है, माइनस में नहीं लिखना, हमेशा प्लस में लिखना है। तो 65 में अगर आप 55 घटाएंगे तो ये 10 मिल जाएगा, 50 में आप 55 मतलब 55 में आप 50 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 5। ये जो दोनों का मिलेगा, ये दोनों का जो अनुपात है, ये क्या चीज का अनुपात है, छात्रों का मतलब लड़कियों और लड़कों के जो संख्या है उसका अनुपात मिल गया। तो ये 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, ये 2:1 लड़कियों का अनुपात कितना, मतलब लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना हो गया 2:1 गर्ल्स और बॉयज की संख्याओं का अनुपात, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स और बॉयज की संख्याओं का अनुपात कितना हो गया 2:1। अब 60 छात्र हैं, इस 60 को 2:1 में आप बांट दीजिए, तो ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं, तो ये काट देंगे 20 × 20 = 20, 20 × 40 2:1 मिल जाएगा आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, गर्ल्स और बॉयज इन दोनों का जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 मिल रहा है, 3 के जगह टोटल संख्या कितनी है 60 भाई, गर्ल्स प्लस बॉयज 3 मिला अनुपात में अगर देखेंगे इकाई के रूप में, और 3 इकाई जो है किसके बराबर 60 छात्रों के बराबर है, 20 गुना है 30 गुना 20 ही तो 60 होता है ना। अब बॉयज कितने होंगे 20 का गुणा करेंगे तो 20 × 20, गर्ल्स कितने होंगे तो इसमें 20 का गुणा करेंगे तो 40, तो 40 और 20 हमारा राइट आंसर। तो ये एलिगेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करके कमेंट करेंगे। तो चार तरह का प्रश्न हमने देख लिया औसत का, अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके लिए कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है। कितने व्यक्ति 8, 8 आंकड़े हो गए। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, ये प्रश्न है हमारा।
ठीक है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न आप कर सकते हैं। देखिए तो जो देखिए ये टोटल 8 लोग हैं, 8 में से तो 6 व्यक्ति तो चले ही जाते हैं, तो कोई 2 ही लोग बचते हैं, तो 2 लोग का औसत निकालना है हमको। तो लेकिन जो 2 लोग बैठे, 2 लोग जो बचे हुए हैं उनका योग कितना है आयु का ये नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों का औसत कितना है, 42 वर्ष, तो 8 व्यक्तियों का औसत आयु का योग कितना होगा, तो ये 42 गुना हम 8 कर देंगे, तो 8 व्यक्तियों का औसत आयु मिल गया। 6 व्यक्ति चले गए, लेकिन वो जो 6 व्यक्ति गए उनका औसत कितने का था, 48 का, तो ये 48 गुना 6, जो 6 लोग गए उनका औसत आयु इतना है, जो 8 लोग थे उनका औसत आयु इतना था। तो अगर ये 8 लोग का औसत आयु में से 6 लोग का औसत आयु को अगर घटा देते हो, तो जो 2 लोग बच गए हैं, ठीक है, जो 2 लोग बच गए हैं उन्हीं का औसत मिलेगा, और वही निकालना है औसत आयु, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं कि जो 2 लोग बच गए हैं उनकी औसत सॉरी उनका आयु का योग कितना होगा। तो 42 गुना 8 कितना मिलेगा भाई, हमको ये बताइए। तो 42 गुना 8 336 माइनस 48 गुना 6 288, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 48। ये 48 वर्ष क्या है, जो 2 लोग अभी रह गए हैं उनकी औसत नहीं उनका आयु का योग आया है। अब 2 लोग हैं तो औसत कैसे निकालोगे, तो कुल आयु का योग 48 और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 48/2 24 वर्ष जो है औसत आ गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप यहीं पर भी डायरेक्ट ऐसे करना इसको कि 8 लोग जो है उनका औसत सॉरी उनके आयु का योग माइनस जो 6 लोग गए उनके औसत आयु का योग ऐसे निकालेंगे, बटा कितने लोग बच गए हैं लास्ट में, 2 लोग, तो नीचे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करना है आपको, कोई ये बहुत आसान प्रश्न था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक बार पलट लेंगे, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, इजी है। चलिए छठवां प्रश्न है आपके लिए कि छठवां टाइप का, ठीक है, ये टाइप 6 का प्रश्न आपके लिए है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, वेरी गुड, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए पहले तो 20 लोग थे, ये भी बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको शुरुआत का औसत और अंत में जब नए लोग आ जाते हैं तो पूरे जितनी संख्या में लोग हो जा रहे हैं उन सबका योग अगर पता चल जाए तो आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। कैसे, 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है, तो उनका योग कितना हो जाता है भाई, आयु का योग 20 गुना 25, क्योंकि पहले 20 लोग थे, औसत आयु 25 है, इन दोनों का गुना होता 20 व्यक्तियों का आयु का योग मिल जाता। अब क्या बोला, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए, अब 5 लोग और इसमें आ गए, पहले कितने लोग थे, 20 लोग थे, अब 5 लोग और शामिल हो गए, लेकिन इन 5ों का औसत आयु कितना है, 20-20 वर्ष, मतलब ये 20 वर्ष वाले 5 लोग और शामिल हो गए, तो ये जो 5 लोग शामिल हुए उनका आयु का योग हो गया। तो ये टोटल अब हमारे पास कितने लोग हो गए, 20 ये प्लस 5 और नए आ गए, मतलब 25 लोग हो गए, तो इन 25ों लोगों का जो आयु का योग ये हो गया, और आंकड़े कितने हो गए टोटल, 25, बस काम खत्म। सॉल्व करेंगे तो 25 दुनी 50 ये हो गया 500 प्लस ये 100 और हो गया 600 बटा 25, 600 को आप क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, 25 दुनी 50 10 25 चौके 100 24। अब जो पूरे 25 लोग को होगा ये 20 और 5 इन सब का औसत कितना हो गया, 24 वर्ष जो है इनका औसत आयु हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या करना है, इसमें नए लोग और शामिल हो गए तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, आंकड़ों की संख्या बढ़ गई, तो नीचे और टोटल आंकड़ों की संख्या हो गया, ऊपर में जो पहले थे वो नए लोग और शामिल हो गए तो पूरा योग निकाल दिया आयु का, और नीचे आंकड़ों से हम भाग देती, हमको आंसर मिल गया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए 6 टाइप का प्रश्न हो गया, सातों इसमें भी रुपए वाला आ गया, तो इसमें कोई भारी चीज नहीं, आप कर सकते हैं। अब हम 7th टाइप देखते हैं, 7वां टाइप का प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम नए व्यक्ति 1 किलोग्राम बढ़ गया, उस नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। आसान है, ये भी कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, कैसे करना है वो देखिए। इसमें दो तरह का भार है, एक तो पहले भी था और एक नया भी था, ठीक है। तो 10 व्यक्ति पहले थे, चलिए देखिए पहले कितने 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, और उन सबका औसत भार कितना था, अच्छा 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम व्यक्ति वाला सॉरी किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, हमको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का औसत हमको नहीं पता था,
ठीक है, इसमें दिया नहीं है कि जब 10 व्यक्ति थे तो कितने औसत थे। तो मैं पहले मेन मेथड से बताता हूं, फिर इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। तो ये मान के चलो कि शुरुआत में औसत भार कितना था, 10 व्यक्तियों का एक्स था, ठीक है। तो एक्स जो व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, उनका प्रत्येक का भार औसत भार एक्स एक्स था, तो टोटल योग कितना होगा, तो 10 × x, ये पहले का हो गया। अब इस कुल जो 10 लोगों का जो भार था, कुल भार, उसमें से 60 किलो वाला चला गया, तो ये लो 60 किलो वाला यहाँ पे चला गया, मतलब हम निकाल दिए, क्लियर है। लेकिन 10 लोग थे, अब एक चला गया तो 9 की बात हो गया, लेकिन एक और व्यक्ति जो है इसमें शामिल हो गया, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो क्या बोल रहा हूं। एक और व्यक्ति शामिल हो गया, जो लेकिन व्यक्ति शामिल हुआ उसका भार हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका भार वाई है, ठीक है। तो चलो कि ये टोटल पहले का भार था, एक 60 किलो वाला चला गया, लेकिन एक नया व्यक्ति आ गया, कितना, वाई भार वाला, ठीक है। अब टोटल योग कितना बचा, ये देखिए, अब टोटल 10 लोग यहां पे हो गए, कैसे, ये 10 लोग का था शुरुआत में, लेकिन 60 किलो वाला एक निकल गया तो 9 लोग थे, लेकिन एक वाई भार वाला जो लास्ट में फिर जोड़ गया तो हमने जोड़ दिया, तो संख्या तो 10 ही हो गया। अब जो ये नया औसत बन के तैयार हुआ, ये औसत क्या होगा, 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब पहले औसत हमने x माना था, लेकिन अब एक बढ़ गया तो ये x प्लस 1 आ गया। ये हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका है। अब इसको सॉल्व करिए, 10 का गुणा इन दोनों के साथ कर देते हैं, तो 10x - 60+y बराबर, इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा जब, तो 10x + 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10x+ का है, ये 10x+ कट गया, ये बचा माइनस का 60+y और ये 10, इसको ले जाते हैं उधर, तो y बराबर 10, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया 60, तो 10+60 70 वर्ष। मतलब जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका कितना किलो भार था, 70 किलोग्राम भार था, हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको एक दूसरा शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाना है, जब कभी भी एक नया व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, एक को हटा के एक को शामिल किया जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लिखेंगे ऐसे समझने के लिए, नया व्यक्ति का जो भार है, वही चीज तो निकालना है, ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार बराबर हो जाएगा जो गया है व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति गया उसका भार, ठीक है। तो गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी हुआ, इसमें गुणा करना है कितने लोग हैं, संख्या कितना है, ये ट्रिक को आप याद रखिएगा। तो नए व्यक्ति का भार कैसे आप निकालेंगे, इस फॉर्मूला को मैं रख के यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति गया उसका भार कितना था, 60, तो हमने लग दिया यहां पे 60, ठीक है। अब देखिए यहां पे कमी हुआ है कि वृद्धि, तो देखिए यहां पे बोला है कि 1 किलोग्राम भार जो है औसत भार वो बढ़ गया, ये बढ़ गया है, तो जब बढ़ने की बात होगा तो यहां से आपको प्लस ले लेना है। जब यहाँ पे कम वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसकी जगह आप माइनस लेके बनाएंगे तो इससे बन जाएगा, तो 1 किलो भार बढ़ा तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस, ठीक है। अब वृद्धि हुआ कि कमी, तो बिल्कुल वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि हुआ, 1 किलो का, तो 1 गुना। संख्या कितना है भाई, 10 ही संख्या है ना, क्योंकि 10 में से 1 गया 9, फिर वापस 1 आ गया तो 10 हो गया, तो 10, तो 60+1 10 70 हो जाएगा, तो 70 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन ये हर जगह हमेशा याद नहीं रख सकते ना, ये सब केवल प्रैक्टिस से आपका आएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो ये तरीका में भी बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो अगर आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये वाला कब आया, टाइप 7 कैसा प्रश्न है, जिसमें एक व्यक्ति चला गया दूसरा व्यक्ति आ गया, तब उस नए व्यक्ति का भार कितना है आपसे ये पूछा गया। तो ये 7वां प्रश्न इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, या फिर 8वां टाइप का प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए, जो कि टाइप 8 है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनका औसत आयु 28 वर्ष, ठीक है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का आयु ज्ञात कीजिए। यह भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कैसे वो देखिएगा। पहली बात तो कितने लोग थे परिवार में, 10 व्यक्ति थे और औसत आयु कितना था, 28, मतलब 10 × 28, ये उस परिवार का कुल आयु का योग हो गया शुरुआत में, ठीक है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति चला गया, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, एक व्यक्ति चला गया तो औसत आयु में 1 वृद्धि हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं इसको बनाने का, दो तरह का, एक पहले और एक अभी, दो तरह का। देखिए ये पहले का
और अब ये वर्तमान ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। पहले का औसत कितना है 28 वर्ष। अब जब एक व्यक्ति चला गया तो क्या बोला कि औसत आयु एक वर्ष बढ़ गया, मतलब 28 और एक 29, 29 वर्ष औसत ये हो गया। पहले कितने लोग थे 10 लोग, अब एक व्यक्ति जब चला गया तो औसत तो बढ़ गया लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया 9 हो गया। अब पहले का भार और अभी का पहले का आयु का योग और अभी के आयु का योग हम निकाल लेंगे तो 280 शुरुआत में था जब 10 लोग थे तब, अभी 29 नवा कितना होता है 9 9 81, 8 9 18 8 26, 261 वर्ष। अभी जो 9 लोग हैं उनका जो आयु का योग है 261 है, जब 10 लोग थे तो 280, मतलब इसमें जो एक तो चला गया उसके बाद ये बचा ना, तो गया वाले का कितना होगा भाई, तो क्या करेंगे इस 280 में से इस 261 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 19 वर्ष। यही वह व्यक्ति है जिसका जाना जो गया उसका आयु था, और मतलब आयु था 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मतलब पहले वाले का कुल आयु का योग, मतलब वर्तमान में कुल आयु का योग को घटा देंगे तो जो व्यक्ति गया है उसका आयु औसत, मतलब आयु उसका बता सकते हैं कि कितना होगा, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बता सकते हैं, एक और ट्रिक भी अगर देखना है तो, हालांकि कुछ ट्रिक नहीं है, इसी से बना है, जाने वाले व्यक्ति का उम्र अगर निकालना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कि जो शुरुआत में औसत कितना था, पूर्व में औसत कितना था, प्लस माइनस वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ औसत में वो, इनटू जो नई संख्या अब कितनी संख्या रह गई वो यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। तो पूर्व में औसत कितना था भाई, देखिए 28 था तो हम यहाँ पे 28 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है कि जब वृद्धि होगा, इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है क्या कि जब वृद्धि होगा तो माइनस यूज करना है यहाँ पर, और जब कमी होगा तो आपको प्लस यूज करना है। थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं बताऊं कि यही चीज को आप रखो सबसे बेस्ट होगा। तो पूर्व औसत यह हो गया क्योंकि अब क्या हुआ यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, औसत क्या हुआ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब कितने का वृद्धि हो रहा है, एक का, तो एक, अब संख्या कितने रह गए हैं भाई, 10 थे तो एक चला गया, 9 ही रह गया, तो 9, तो 28 माइनस 9 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्यों, क्योंकि आप कितना फॉर्मूला रटेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपसे बनते रहेगा, इसीलिए ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो 8 टाइप के हमने प्रश्न कर लिया, अब चलिए 9वां टाइप देखते हैं। 9वां टाइप है क्या कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की औसत आयु क्या होगा। ये भी उसी तरह का है, उसमें क्या था, पिछले वाले में एक व्यक्ति चला गया था, इसमें क्या कर रहे हैं एक व्यक्ति को हम वापस से जोड़ दे रहे हैं, बस तरीका वही है। देखिए पूर्व का यहाँ पे पूरा औसत और संख्या लिखेंगे और वर्तमान का औसत और संख्या लिखेंगे। पूर्व में औसत कितना था 30 वर्ष, तो हम लिख देते हैं 30, ठीक है। वर्तमान में औसत क्या हो रहा है, एक बढ़ जा रहा है, तो 30 में एक बढ़ा दिया तो 31 हो गया। पूर्व में कितने सदस्य थे भाई टीम में, 10 थे तो 10 हो गया। वर्तमान में क्योंकि अब कप्तान को भी हम जोड़ दिए तो 11 हो गया। अब जो है उनके आयु का योग निकालना है, तो इसका गुणा करेंगे तो पहले योग 300 था, अब योग कितना होगा, तो इनका भी गुणा करिए 11 1 11 1 11 33 1 34 341, ठीक है। अब जब कप्तान को भी शामिल कर दिया गया तो उम्र कितना वर्ष हो गया, टोटल योग 341। जब कप्तान शामिल नहीं था तब कितना था भाई 300, मतलब जो 300 से 341 बना किसकी वजह से बना, कप्तान को शामिल करने की वजह से। तो ये जो एक्स्ट्रा 41 वर्ष जो बन रहा है ये कप्तान का ही उम्र होगा, यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये वाला तो एटलीस्ट समझ में आएगा, इसी कॉन्सेप्ट से इससे पहले वाले प्रश्न भी बने हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क सॉल्व करके बता दें कि किसका कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये 9 तरह का टाइप हमने देखा, अब हम एक लास्ट टाइप का प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत आसान है, ठीक है, वो सबसे बेसिक चीज है। एक्चुअली मैंने जब क्वेश्चन टाइप किया तो हायर टू लोअर कर दिया हूं, तो इसलिए थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। अब हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है और लास्ट 10वें टाइप का ये प्रश्न है, चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला पे बनेगा प्रश्न है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रम से 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 और 90 सेंटीमीटर उसका औसत वर्षा कितना हुआ। तो औसत का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दीजिए, और क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या क्या है भाई, 70 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर
चार आंकड़े है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के, तो हम चार से भाग दे देंगे। अगर इन सबको आप जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा 280। 280 को चार से भाग दीजिए, 70। ठीक है, ये 70 सेंटीमीटर जो है वर्षा हुई ये चारों महीना में मिला के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंकड़ा औसत पे संबंधित प्रश्न तो आप ऐसे कर दीजिए। देखिए बहुत सारे आप वीडियो मिलेंगे तो देखेंगे तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक भी मिलेगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेन मेथड से भी बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको ये होमवर्क प्रश्न बनाना है जो कि नीचे है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने 10 टाइप के औसत पर प्रश्न हमने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है, ठीक है, वो मैथ्स के किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी अलग अलग वीडियो तो मैं लेकर आऊंगा ही, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और ये बाकी जो होमवर्क था किसका कितना सही, वो आप कमेंट करके भी आप लोग बताएं।